नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज मैं आपको जिस औषधि पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इसके बहुत ही कमाल के फ़ायदे हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको इसकी पहचान करा देता हूँ। दोस्तों ये देखिएगा, इस तरीक़ा से इसके पौधे होते हैं और ये देखिए फूल होते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसके फूल होते हैं। दोस्तों इसका नाम है सहदेवी। जी हाँ दोस्तों, इसको सहदेवी नाम है। इसको सहदेवी या संस्कृत में दंडोत्पला के नाम से पहचाना जाता है, जाना जाता है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों आज मैं इस सहदेवी के फायदे के बारे में ही बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसका इस तरीका से पौधा होता है। ये देखिएगा छोटा सा पौधा, ये ज़मीन में है। और ये देखिएगा, ये साइड से आपको मैं दिखाता चला जाऊँ, ये है इसका पौधा सहदेवी का। ये देखिएगा, जहाँ पर भी दोस्तों ये लगता है ना, तो बहुत ही आनंददायक इसके फूल होते हैं, बैगनी बैगनी कलर के। ये देखिएगा, नीले नीले कलर के इसके फूल बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों, बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। ये है सहदेवी दंडोत्पला। अब दोस्तों इस पौधे की जड़ पत्ती या पूरे पंचांग का प्रयोग किया जाता है और इससे अनेक बीमारियां दूर होती हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन सी बीमारी में इसका प्रयोग करें बता देता हूँ। दोस्तों तांत्रिक की माने अगर, जी हाँ दोस्तों, तांत्रिकों की अगर माने तो सहदेवी वशीकरण विद्या में और तंत्र विद्या में काम में लाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, वशीकरण विद्या और तंत्र विद्या में सहदेवी की जड़ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों किसी भी पुख नक्षत्र के दिन या दोस्तों किसी भी अच्छे नक्षत्र के दिन इसको उखाड़ करके और गले में धारण करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इससे वशीकरण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं चलिए इसके कुछ फ़ायदे बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप इसे सहदेवी की जड़ को ले लें, जी हाँ दोस्तों, सहदेवी की जड़ को ले करके उखाड़ लें और उखाड़ करके अगर आप काले धागे में अपने गले में धारण करते हैं तो दोस्तों अब तो नहीं आता, लेकिन पहले ये बुखार आता था, एक परिहार दो परिहार। अगर एक परिहार दो परिहार तजारी बुखार है ना, तब आप गले में इसको धारण करते हैं तो इसके गले में धारण करने से बुखार उतर जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों बात कर देता हूँ, ये जो सहदेवी देख रहे हैं ना आप, इसके अगर पंचांग का क्वाथ बना करके पीते हैं, सौंठ पिपली काली मिर्च डाल करके। जी हाँ दोस्तों, सौंठ पिपली काली मिर्च और ये सहदेवी, इन तीनों सभी औषधियों को समान मात्रा में लेकर के अगर आप क्वाथ बना करके प्रयोग करते हैं तो ये आपके बुखार को दूर करता है और कमजोरी को दूर करता है। जी हाँ दोस्तों, ये बुखार को दूर करने वाला और कमजोरी को दूर करने वाला पौधा होता है सहदेवी। दोस्तों जिनको बवासीर की बीमारी है तो बवासीर की बीमारी में आप सहदेवी के पंचांग का सरस पी सकते हैं। दोस्तों एरक यानी कि पटेर, जिसको हाथी गोंद बोला जाता है, आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से शायद आप देख सकते होंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये है एरक पटेल। ये बहुत दूर लगा हुआ है पौधा, लेकिन मैं अभी दिखा देता हूँ, ये है एरक पटेल। ये नदियों में होता है दोस्तों, तो नदियों में इसकी जड़ का प्रयोग किया जाता है, बच की तरह होता है। तो दोस्तों ये है सहदेवी, ये है सहदेवी दंडोत्पला। और दोस्तों बवासीर में इसका कैसे प्रयोग करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों बवासीर में आपको इसके पंचांग को लेना है, ताज़ा मिले तो इसके सौरस का सेवन करना, पत्ता जब नहीं मिले, अगर पंचांग मिलता है तो चूरन भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर इसका धूम्रपान किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इसके पंचांग को ले लें, मैंने भी इसका प्रयोग किया है अपने कुछ रोगियों पर, बहुत अच्छा खासा रिजल्ट होता है। दोस्तों इसके पंचांग को लेकर के और चिलम में रख करके इसको धुआं लिया जाता है या फिर बवासीर हो जहाँ वहाँ पर इसके धुएँ से शिकायत की जाती है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है बवासीर की बीमारी को रोकने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही पावरफुल है ये चर्म रोग को दूर करने के लिए। दोस्तों चर्म रोग में आप तीन चार औषधियों को मिला करके और तिल तिल में डाल करके पका करके तिल बनाएं, जैसे कि दोस्तों अपामार्ग, नीम और सहदेवी तथा आपको लेना है हल्दी, इनको लेकर के तिल तेल में डाल लें, बराबर ले लेना। और जितनी मात्रा में ये ले रहे हैं उसकी चौथे भाग की मात्रा में आपको तिल तिल लेना है, यानी कि अगर आप ये सभी 50-50 ग्राम ले रहे हैं तो यानी मिला करके अगर आप 100 ग्राम होगा तो आपको 200 ग्राम करीबन ये आई तेल लेना है, राई सरसों का, उसका तिल का तेल, और फिर पका करके प्रयोग करना है। इतना पकाना है कि सभी औषधियाँ काली पड़ जाएं, फिर छान करके अगर रोजाना लगाते हैं तो दाद, खाज, खुजी, एलर्जी, सोराइसिस, पामा छाजन दूर होता है। तो बहुत ही दिव्य औषधि है, बहुत ही लाभकारी। दोस्तों जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी अगर वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों मिलेगा अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।